ऑस्टियोपिनियन ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा मेजर कंसर्निंग मैटर इन द अर्बन एरियाज टुडे। जो फीमेल्स हैं वो 8 टाइम्स मोर प्रोन है ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोपिनिया को लेकर। और इसका एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, दैट इज फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज एंड यू कैन से कंजम्पशन ऑफ वाइटामिन डी एंड कैल्शियम, जो कि हम लैक कर रहे हैं। हमारी डाइट में हमें इतना ज़्यादा कैल्शियम एंड वाइटामिन डी नहीं मिलता है। जब हम वेजिटेरियन डाइट की बात करते हैं उसमें वाइटामिन D2 रहता है, एंड हमारी बॉडी जो वाइटामिन डी सिंथेसाइज करती थी सनलाइट से, और अब जो अर्बन एरियाज में फीमेल्स हैं वो सनलाइट में भी नहीं रहती हैं। तो जब वो एक्सरसाइज करती हैं तो एक्सरसाइज उनकी बॉडी के लिए एक स्टिमुलाई बनता है। एक्सरसाइज से उनकी बोन्स पर कंप्रेसिव फोर्स आता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी को, उनकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत पड़ती है, और उस टाइम पर उनकी बॉडी क्या करती है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ाती है। तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट सॉल्यूशन यही है, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, वर्कआउट के दौरान हाई इम्पैक्ट बेस्ड ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड जो रैप रेंज रहनी चाहिए एक्सरसाइज की, वो क्या रहनी चाहिए, 10 से 12 रैप। मीन्स आपको 60 to 70% ऑफ योर 1 RM ही ट्रेन करना है। आप उनको इंटेंस वर्कआउट मत कराइए, फिजिकल एक्टिविटी करवानी है, एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद वाइटामिन डी एंड कैल्शियम के ऊपर फोकस करना है। अगर आप घर पर विदाउट एक्सरसाइज कैल्शियम लेते हो या वाइटामिन डी लेते हो, आपकी बॉडी को उससे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्यों? बॉडी किसी भी न्यूट्रिएंट को जब एब्जॉर्ब करती है जब बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है। सो अगर आपको भी लग रहा है कि आपकी बोन्स वीक हो गई हैं, तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज को स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप वाइटामिन डी एंड कैल्शियम को सप्लीमेंट कीजिए। रिमेंबर, सप्लीमेंट में आपका वाइटामिन D3 होना चाहिए, ना कि D2, क्योंकि जो D2 है बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है।